हमास के साथ जंग में इसराइल को मिली बड़ी कामयाबी। IDF ने हमास की कैद से महिला सैनिक को छुड़वाया। इसराइली सेना ने ग्राउंड अटैक के दौरान महिला सैनिक को आज़ाद करवाया। हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बना लिया था। इसराइली महिला सैनिक अपने परिवार के बीच पहुंची। इसराइल का दावा, जल्द और लोगों को भी आज़ाद करवा लेंगे। इसराइल के PM नेतन्याहू ने महिला सैनिक को रिहा करवाने वाले इसराइली सेना को मुबारकबाद दी। पूरा देश IDF को कर रहा है सलाम। PM नेतन्याहू ने हमास की तुलना आतंकियों से की। कहा, जब तक तुम हमारे कदमों पर नहीं आ जाते, हम छोड़ेंगे नहीं। हमास के खिलाफ इसराइल का ऑपरेशन तेज़ हुआ। गाजा शहर को चारों तरफ से घेरा। इसराइली टैंकों ने बरसाए गोले। इसराइली सेना का गाजा में अंदर घुसना जारी है। देर रात गाजा के आसमान में दागी गई कई मिसाइलें। इसराइल और हमास के बीच रात भर हुई गोलीबारी। गाजा से दागे गए एक रॉकेट के फटने से इसराइली सीमा में लगी आग। इसराइली सेना और टैंक्स ने उत्तरी और मध्य गाजा में घुसना शुरू किया। लगातार दागे जा रहे हैं गोले। इसराइली सेना के टैंक के गोले के चपेट में आने से बची एक कार। बैरियर के पास कार के घूमते ही फटा टैंक का गोला। इसराइली सेना का फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक पर भी अटैक। जनिन और समारा इलाकों में स्पेशल फोर्सेज की कार्रवाई, 4 लोगों की मौत। वेस्ट बैंक पर हुए हमले की फलस्तीन के PM ने की निंदा। कहा, हर नागरिक को अपनी रक्षा और देश की हिफाजत करने का हक है। इसराइल हमास जंग का आज 25वां दिन है। दोनों तरफ के करीब 9,700 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइली हमले में करीब 8,300 फलस्तीनियों की जान गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसराइली सेना ने हमास के 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले 24 घंटे में हमास के 4 कमांडर मारे गए। इसराइल का दावा, पिछले 24 घंटे में हमास के 600 ठिकानों को टारगेट किया। 150 सुरंगों और बंकरों को तबाह किया। इसराइल ने लेबनान के हिजबुल्ला ग्रुप को दिया जवाब। दक्षिण लेबनान में जमकर शेलिंग की। इसराइली सेना ने लेबनान के पोस्ट पर जंगलों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर शेलिंग की। जंगलों के कई हिस्सों में आग लग गई। इसराइल ने सीरिया के फ्रंट पर भी दिया जवाब। सीरिया में कई ठिकानों पर बमबारी की। गाजा में इसराइली सेना को मिला जर्मन लड़की का शव। हमास ने 7 अक्टूबर को बनाया था बंधक।